Assalamu alaikum everyone. In today's video, we are going to be discussing about the material list. Jo aapko material list ki zarurat hogi is course se related, uske bare mein information provide karte chale. So let's start off. Basic material list of fashion design course aapke jo season 1 ke liye material required hoga, usse mutalik information hai. Fashion design ke jo notes hain wo aapko niche link mein provide kar diya jayega aur caption mein uski details de di jayengi. Agar aap on campus Rawalpindi Institute of Art and Design mein aap fashion design ka course pad rahe hain to management se raabta kare, aapko management se hard copy jo hai wo mil jayegi. Fashion drawing se related jo aapko material hai usme pehle number pe sketchbook hai A3 size mein, jiska material jo hai wo scholar sheet hona chahiye. दूसरे नंबर पे आपको पेंसिल्स रिक्वायर्ड हैं HB 2B एंड 3B. सजेस्टेड ब्रांड जो हैं वो अगर आप लोकल में देख रहे हैं तो गोल्ड फिश और डॉलर में ले सकते हैं. अदर देन दैट स्टेडलर और फेबर कासल जो हैं ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं. तीसरे नंबर पे ट्रेसिंग शीट्स 10 अदद ले लें A4 साइज में. पेपर कटिंग सीजर्स 9 से 12 सेंटीमीटर लंबी आपको कैंची की ज़रूरत होगी. ख्याल ये रहे कि ये कैंची जो है इसकी जो टिप है वो ज़रा थोड़ी सी पॉइंटेड होनी चाहिए. इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन कॉस्मेटिक शॉप्स या आपको कॉस्मेटिक शॉप्स वगैरह से भी ईजिली अवेलेबल होती है. ब्लेड कटर आपको एक अदद चाहिए, किसी भी साइज में हो सकता है. स्टील स्केल साइज जो है वो आप 12 इंच का जो आपका आता है नॉर्मल स्टील स्केल, दैट इज़ फाइन. फैशन मैगजीन आपको चाहिए है जो कि वोग ब्रांड है. मिनिमम 3 नीडेड, अगर आप 3 ले सकते हैं तो गुड इनफ, अदरवाइज 2 से भी आपका काम चल सकता है. इनका जो ओरिजिन है वो UK, ब्रिटिश, USA, इटली या ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए. और ख्याल इस बात का रहे कि ये 9 साल से ज़्यादा पुराने एडिशन के ना हों. कहाँ से अवेलेबल हैं वो आपको मैं बता दूं कि ये ओल्ड बुक शॉप्स जो हैं वहाँ से आपको ये ईजिली अवेलेबल है. नेक्स्ट, स्मॉल साइज ग्लू स्टिक चाहिए आपको. सजेस्टेड ब्रांड जो है वो UHU है. मीडियम साइज्ड ग्लू चाहिए आपको, सॉरी लिक्विड ग्लू चाहिए और उसका भी सजेस्टेड ब्रांड जो है वो UHU है. हार्ड चार्ट पेपर आपको एक अदद चाहिए, किसी भी रंग में हो सकता है. डेवलपमेंट पेज कॉपीज जो हैं वो 20 अदद चाहिए. सॉफ्ट कॉपी विल बी प्रोवाइडेड इन द वीडियो लिंक. जब आप उस लेक्चर पे पहुंचेंगे तो आपको ये जो डेवलपमेंट पेज यहाँ पे जो मैंशन किया जा रहा है ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट, वाटर प्रूफ पॉइंटर्स आपको रिक्वायर्ड हैं जो कि 0.05, 0.1 और 0.2 मिलीमीटर के साइज में होना चाहिए. इसमें भी जो सजेस्टेड ब्रांड मैंने मेंशन कर दिया है स्नोमैन या आपको सकुरा कंपनी चाहिए. पेंट ब्रशेस जो है इसमें साइज 0, 2, 4 और 6 ले सकते हैं. ख्याल रहे कि गुड क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि अगर गुड क्वालिटी के पेंट ब्रशेज होंगे तो आपकी ड्राॅइंग भी उसके अकॉर्डिंगली अच्छी ही होगी. एनी ब्रांड डिपेंडिंग ऑन अफोर्डेबिलिटी, जो आप अफोर्ड कर सकें ईजिली. वैसे इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि कॉटमैन एक कंपनी है, विंसर एंड न्यूटन ब्रशेज बनाती है. दे आर वन ऑफ द बेस्ट ब्रशेज अवेलेबल फॉर ड्राॅइंग. ऑफकोर्स येस दे आर अ बिट एक्सपेंसिव, तो दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू योर बजट. आप अगर बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. वाटर कलर्स आपको चाहिए 12 कलर सेट वाला, और इसमें जो सजेस्टेड ब्रांड है वो पेंटल या पेलिकन है. पोस्टर पेंट्स आपको चाहिए 2 चाहिए पोस्टर पेंट्स, एक आप गोल्ड कलर में ले लें और एक आप सिल्वर कलर में ले लें, और इसका भी सजेस्टेड ब्रांड जो है वो सकुरा या पेंटल है. पैलेट जो है वो आप एक अदद ले लें. पैलेट का ख्याल रहे कि अगर उसके अंदर 12 सेक्शंस हैं तो दैट इज़ रियली गुड. कम अज़ कम 12 सेक्शन वाला पैलेट होना चाहिए. अब हम डिस्कस करते हैं जी हमें पैटर्न ड्राफ्टिंग से रिलेटेड क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है. जिसमें पहले नंबर पे सेंटीमीटर वाली ग्राफ शीट चाहिए, 4 अदद आप खरीद लें. सेंटीमीटर वाला जापानी स्केल आपको चाहिए और इसका जो सजेस्टेड ब्रांड है वो बटरफ्लाई. फ्रेंच कर्व एक अदद. कंपस या पुश पिन्स का आप एक सेट ले सकते हैं, तो दोनों में से हम एक चीज इस्तेमाल करेंगे. चार्ट पेपर्स आपने 2 अदद खरीदने हैं, किसी भी कलर के हो सकते हैं. एनी कलर अदर देन द डार्क टोन्स, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लाइट ग्रीन हो सकता है, लाइट ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है, एक्सेट्रा. मेक श्योर करें कि वो ब्राउन ना हो, ब्लैक ना हो, डार्क ग्रीन ना हो. ट्रेसिंग व्हील आपको एक अदद चाहिए. पेपर टेप या मास्किंग टेप एक अदद, किसी भी साइज में हो सकती है. मुस्लिन फैब्रिक 4 मीटर आपको रिक्वायर्ड है.
इफ द विड्थ ऑफ द फैब्रिक इज 60 inches, यानी कि कपड़े का अगर अर्ज जो है वो 60 inch है तो आप 4 meter का कपड़ा परचेज कर लें। अच्छा, इसको लोकल मार्केट में जो है इस मुस्लिन फैब्रिक को हमारे यहाँ मार्किन भी मैंने सुना है, जो फैब्रिक मर्चेंट्स हैं वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको मार्किन या पॉकेट क्लॉथ के का वर्ड भी इस्तेमाल करके ये कपड़ा ख़रीद सकते हैं। ये फैब्रिक जो है नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है पर्दों की लाइनिंग यानी कि अस्तर में। तो जो आपका पर्दा होता है, अगर आप उसको कभी गौर से देखें तो पर्दे की एक राइट साइड है जो आपको नज़र आ रही होती है, और एक कपड़ा पर्दे की बैक साइड पे इस्तेमाल होता है, दैट इज़ द कर्टन लाइनिंग, और ये उर्दू जबान में इसको पर्दे का अस्तर भी बोला जाता है, और ये आप परचेज कर सकते हैं कर्टन शॉप से भी। नेक्स्ट, आपको एक अदर टेलर चौक की रिक्वायरमेंट है, किसी भी कलर का हो सकता है अदर देन वाइट। फैब्रिक कटिंग सीजर्स जो है वो किसी भी साइज की हो सकती है जो कि आपके हाथ में ईजिली फिट इन कर जाए। इनविजिबल जिप आपको एक अदद चाहिए, इसको उर्दू जबान में गुम जिप भी कहते हैं, स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए और ये किसी भी कलर में हो सकता है अदर देन वाइट। नेक्स्ट, आपका प्रेस बटन 3 अदद ले लें स्टैंडर्ड साइज, जो सबसे छोटे साइज के होते हैं, नॉर्मली वही स्टैंडर्ड साइज कंसिडर किए जाते हैं, जिसको हमारी उर्दू जबान में जो है वो टच बटन भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सोइंग मटेरियल जो है वो आपको क्या क्या उससे रिलेटेड सामान चाहिए। पहले नंबर पे आपको मेजरिंग टेप यानी कि फीता, दूसरे नंबर पे आपको तरपाई वाली सुइयां चाहिए, ये जो नीडल्स हैं ये आप 4 अदद ले लें, बिकॉज ये नॉर्मली कभी कभी गुम जाती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप एक्स्ट्रा खरीद के रख लें। इसकी लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, और इसको इस्तेमाल किया जाएगा तरपाई यानी कि हेमिंग के पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट, आपको ड्रेपिंग पिंस या पर्ल हेड पिंस, वैसे सजेस्टेड ड्रेपिंग पिंस हैं। ड्रेपिंग पिंस जो हैं ये आम कॉमन पिन से ज़रा मुख्तलिफ होती हैं, एक तो ये साइज़ में लंबी होती हैं और ये पतली होती हैं। इसका पर्पज़ ये है कि अगर आपको कोई स्टिचिंग के दौरान किसी कपड़े में ये पिन इंसर्ट करनी हो तो ये ईजिली इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो हमारा रिस्ट पिन कुशन है, ये एक अदद ले लें, अगर मार्केट से मिल जाता है गुड इनफ, अगर मार्केट से अवेलेबल नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, आपको एक अदद थ्रेड स्निपर चाहिए। नेक्स्ट, आपको जो है वो 5 अदद नलकियां चाहिए, जिसको थ्रेड्स कहते हैं अंग्रेजी जबान में, किसी भी कलर में हो सकती है अदर देन वाइट। नेक्स्ट, आपको सीम रिपर चाहिए, ये एक अदद आप खरीद लें। बॉबिन और बॉबिन केस, बॉबिन कहते हैं जी फिरकी को, और जो आपकी सिलाई मशीन में नीचे लगती है फिरकी और उसका जो कवर है, आपके पास जो भी मशीन अगर घर में है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑन कैंपस क्लासेस ले रहे हैं तो ये आपको परचेज करना पड़ेगा। अ फुली फंक्शनल सोइंग मशीन, यानी कि अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो आपके घर में एक सिलाई मशीन होनी चाहिए जो कि फुली ऑपरेशनल होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई इशू ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट में जो है वो सजेस्टेड आर्ट मटेरियल शॉप्स, यानी कि ये जो आपको जो ये मटेरियल है ये कहाँ से मिलेगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नाउ दैट इज़ अप टू यू, अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बेस्ड हैं तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, AR बुक डिपो है जी कॉलेज रोड चाइना मार्केट रावलपिंडी में। नेक्स्ट, वसीम स्टेशनर सदर रावलपिंडी। आर्ट अरीना स्टेशनर सदर रावलपिंडी। वसीम स्टेशनर्स F10 मरकज इस्लामाबाद, एंड द लास्ट इज़ पेपरमैन स्टेशनर्स F10 मरकज इस्लामाबाद। नाउ ये कोई मेरे जानने वाले नहीं है, या मैं कोई आपको स्पेसिफिकली नहीं कह रहा कि यू हैव टू परचेज ऑल दिस मटीरियल फ्राम दीज स्पेसिफिक मैंशनड प्लेसेस। आपको ये मटीरियल आपके इलाके में जहाँ से भी ये ईजिली मिल जाए आप वहाँ से ये मटीरियल परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Do show us some love, like our video, अपनी राय जो है वो आप comments में कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आपको कोई problem आए या किसी किस्म का issue आए तो आप comments में हमसे पूछ सकते हैं, we are there to respond on that, and subscribe our channel, and thank you so much for watching and your support.